मैं इस वेले खड़ा पठानकोट के खानपुर चौंक के जिते कि धरना लगन की वजह तुहानू दसीए तो इतने एक ट्रांसफार्म लगन लगे दो धड़े जिहड़े आमणे सामने हो गए ने। तुसीं तस्वीरां देख सकते हो कि इतने एक पासे एक परिवार वालों धरना लगाया गया तो दूजे पासे जिहड़ा दूजे परिवार वालों धरना लगाया गया। उन्होंने इन्हां दी मंग है कि ट्रांसफार्म साडी दुकान दे अगे नहीं लगना चाहिदा तो दूजे धड़े का कहना है कि जिहड़ा ट्रांसफार्मर साडी दुकान दे अगे नहीं लगना चाहिदा। हुण जिहड़े निकल के तत्थ सामने आ रहे ने लोगों का कहना है कि यह जिहड़ा खोखा सामने तुसीं देख रहे हो यह खोखा इन्हां दा कहना कि नजायज़ है। हुण दोनों धड़ों वालों जिहड़ी आ उह कंप्लेन जी डिपार्टमेंट नूं कीती गई है। डिपार्टमेंट फिलहाल इत्थे पहुँच रहा है, पुलिस भी मौके पर पहुँच रही है, पर लोगों जिते कितना कितने परेशानी का सामना इतने करना पै रहा है। हुण देखना यह होएगा कि डिपार्टमेंट जिहड़ा है सारे मामले पर कार्रवाई की करता। देखो सर, ट्रांसफार्मर की इन्नी क ज़्यादा सानू समस्या आ रही है। साढ़े खानपुर के एक ट्रांसफार्मर चल रहा, साढ़ी गली दे 60 तो 65 घर रह गए जिन्हां दे सारिया के घर एक तो दो एसी चल रहे हैं। रात को 3:30 एक दिन मेरे घर जी अग लग गई है, ठीक है। यह तुसी अग दियां फोटो देख सकते हो जी, यह देखो किदा बिजली का किन्ना गंद पिया है इस टाइम के उत्ते। रात को जे मैनू नहीं मेरे नेबर कहिंदे, यह देखो जी नहीं मेरे नेबर कहिंदे जी, रात को 3:30 मैनू फोन करके नहीं दसदे मेरा घर सड़ के सुआह इना ही, मेरी 70-80 लाख रुपए की बिल्डिंग नू एक मिनट के सुआह होंदे नू टाइम नहीं लगना। कौन जिम्मेवार है जी इस चीज़ का? देखो जी यह देखो यह सरकारी प्रॉपर्टी के जो ट्रांसफार्मर लग रहा है तो मैं नहीं समझता कि किसी भी या मैनू या कोई होर है नहीं अदर थर्ड परसन कोई किसी तरह की आपत्ति होनी चाहिए है। देखो जी इन्होंने 10-10 फुट जगह अपनी दुकान के अगे मली दी है, ठीक है। इन्हों तो हल कराओ पहले ट्रांसफार्मर की जगह, जे इन्नी आपत्ति कर रहे हैं, जे इन्ने वाइट कॉलर है तो अपनी दुकान के अंदर बैठन क्यों नहीं बैठ रहे? अद्धे तो ज़्यादा इन्होंने रोड मलिया हो, अज कह रहे हैं जी सानू ट्रांसफार्मर के करके अभिनवी होने की दिक्कत हैगी है, तो समान के करके अभिनवी होने की दिक्कत नहीं हैगी है। अननेसैसरी देखो जी इन्होंने अननेसैसरी गल के उत्ते मुद्दा बनाया हो। बिजली बोर्ड नूं असीं सब तरह तो एप्लीकेशन जेई तक कर चुके हैं, लास्ट संडे नूं सब कुछ हो रहा है, जेई साहब मौके दे उत्ते आ नहीं रहे हैगे। जेई साहब नूं चाहीदा हैगा कि इत्थे आओ, इत्थे आके मौका देखो, मौके दे उत्ते जद बिजली बोर्ड पास करके गए दी है सारी जगह, फिर किस चीज़ की आपत्ति हैगी है? फिर किस चीज़ की आपत्ति है? यह सामने जी गड्डी लगी हुई है बिजली बोर्ड की, सारी समान इत्थे लग्या होया बिजली बोर्ड का, क्यों नहीं लगन देन दे? जे आप जेई हर्षित जेई है जी, जेई साहब क्यों नहीं आ रहे मौके दे उत्ते? इत्थे जो इत्थे कोई अभिनवी हो जाएगी 19-21 हो जाएगा या कोई डांग सोटा हो जाएगा, कोई अभिनवी कोई मरमरा जाएगा, फिर आएंगे जेई साहब? जबकि जेई साहब का फर्ज है इत्थे आके मौका सामभन, साडा फर्ज नहीं है? असी बिल दे रहे हैं, साडे घर के 7-7 किलोवाट लोड है, साडी मंग यही हैगी है कि ट्रांसफार्मर इत्थे लगना चाहिए। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ट्रांसफार्मर लग रहा, ना कि मेरी परसनल प्रॉपर्टी लग रहा, ना इन्हों की परसनल प्रॉपर्टी लग रहा। सर मेरी दुकान के अगे ट्रांसफार्मर ला रहे हैं तो मैं नहीं चाहती मेरी दुकान अगे लगे। रीज़न ये है कि दुकान के पहले ही 2-3 बार एक बड़ा तेज़ एक्सीडेंट हो चुका, दुकान के अंदर शटर के अंदर तक गड्डी वजी हुई है, सब पूरी मार्केट नूं पता है, हूँ चाहे बोले कोई चाहे ना बोले, पूरी मार्केट नूं ये चीज़ पता है। कल नूं ट्रांसफार्मर लगेगा उहदा समेत वजेगा तो कुछ भी नहीं बचना दुकान का, साडी तो रोजी रोटी यही है ना। अगर तुहानूं रंधावा कलोनी वो जाके उत्थे ला लो, जाके रंधावा कलोनी च भी लग सकता है ना, उत्थे बड़ी जगह, इत्थे जगह लभी है इन्हां नूं। सानूं अगर तुहानूं उत्थे लाउण च प्रॉब्लम है तो सानूं इत्थे लाउण च प्रॉब्लम है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਈਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 80 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ? ਭਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇੱਥੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਐਮ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਰਟ ਥਰੂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੰਮਾ ਲਾਉਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਲੋਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਡਾ ਜਗਾਓ ਜੀ, ਆਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਡਾ ਜਗਾ ਦਈਏ ਜੀ? ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਦਾ,
तो मैं तो कहना इतने लगना चाहिए। अज तो महीना पहले भाजी अग अग लग गई घर के कई फ्रिज सड़ गए, कई मोटर सड़ गई, साड़िया रोज जनानिया तंग होंगे कारण भाजी वोल्टेज ही नहीं आती भाजी तारा अग लगन दी भाजी कितने पहला ट्रांसफार्म लगे था उत्थे अं लुआ डे ट्रांसफार्म कहता उत्थे नहीं लगना ट्रांसफार्म तो इत्थे पास हो इत्थे भी नहीं लगन देंडे। ठीक है जी, कोई कहता ठीक है जी, कोई बंदा आता जी कोई कहता मैं वो कर लाँगा जी वो कर लाँगे जी अड्डा चुकाओ क्यों आही भाई गरीब बंदे तो क्यों आही अड्डा चुकाइए 50 साल का अड्डा लगे था भाजी ट्रांसफार्मर की दिक्कत बड़ी है बिजली की उनकी लाइट जो गर्मियां जो आते हैं तो अभी अपने इनवर्टर जड़े है उन्होंने पखे चलाने कि सारी चीज़ें सड़दी रहती हैं पूरी कलोनी च पिछे जी हूँ अग भी लगी किसी के घर से तुम वो मौका भी देख सकते हो असी हूँ उतों की एसटीमेट पास होया बिजली घर का ये सू जगह तुम देखो मैं कहनी कि पूरी पब्लिक देखे कि कड़ी जगह पर लगना चाहता है कि उन्हें नुक्स है तो एक दुकानदार है जी वो बार बार सूँ रोके करता है जबकि वो सरकार के कोई स्टे नहीं लगेगा कुछ नहीं है लेबर जी सवेर की फतेहगढ़ चूड़िया तो आगे खज्जल करे हूँ अं चाहते हैं कि प्रशासन आगे देखे कि मौका है किस तरह है तो आगे साडा काम कराए तो कि साडा अज्ज काम है हो जाए नहीं तो अभी सारे इतने बैठे पोल पास होया बिजली का खंबा तो इतने लगन नहीं दे रहे सरकारी जमीन है पास भी हो चुका था इन्हों की रंजिश यह हुई है कि यह दुकान जी सब्जी की चकोए उत्थे लगना चाहिए जिते पास होया उत्थे लगन नहीं दे रहे इतने लेबर आई है लेबर न काम नहीं कर दे रहे इतने साड़ी सुनवाई नहीं हो रही सरकारी काम रोकया था लेबर आके बैठी दी है किसी को काम नहीं कर दे रहे अभी साढ़े 60-70 साल हो गया इतने दुकान करते मेरे पहला सोहरा जी करते ही उस तो बाद मेरे हसबेंड करते ऐदा ये काम ये चौंक जिन्होंने उतराज है पार्टी बाजी कर रही है थोड़े उन्होंने भड़काया था बरखिलाफ किया साड़ी दुकान से बरखिलाफ किया था इतो दुकान चुकानी चाहिए है इत इतें लगना चाहिए पोल सानू कोई इतराज नहीं जो उत्थे पास होया असी चुक लाँगे लेकिन जे पास जिथे हो उत्थे क्यों नहीं लग रहा जो जमीन सरकारी है सब कुछ सरकारी है जे उत्थों दे दे देंगे अपना दस दिन रजिस्टर ही है कोई जायदाद है दस दिन असी इतराज नहीं करा सर ये मांग करने कि किसी ने तंगी नहीं आए साड़ी दुकान उत्थे लगी रहे उन्हों का भी उत्थे खंबा लग जाए बस।